वहां इसी प्रकार के पंडाल में धर्म परिवर्तन का काम चलता था। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह होता था और जब इस बात को हम उठाते थे हमको जेल भेजने की बात होती थी। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिला पंचायत के सदस्य, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी यहाँ वर वधु जो आए हुए हैं, सभी उनके परिवार के जन, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले नव विवाहित जोड़ों को, जो 200 जोड़े हैं, इनको सबको मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन सफल हो, आप अपने परिवार को अच्छे से चला सकें और भारत की संस्कृति के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। ये आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और पूरे हमारे युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के जो बंधुओं को, जिन्होंने इतने बड़े अच्छे ढंग से पूरे सनातन संस्कृति के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से आप सबका विवाह करवाया है, उसके लिए मैं पूरे गायत्री परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं भी इस परिवार से जुड़ा रहा हूँ, बचपन से यही हम लोग इस गायत्री मंदिर में, गायत्री यज्ञशाला में आकर के हम लोग भाग लेते रहे हैं। और प्रति रविवार को हम लोग भी आते थे, परंतु व्यस्तता के कारण कम आना जाना हो पाता है। और मैं गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बंधुओं, एक दो बात बता करके आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा कि देखिए कितना परिवर्तन दिख रहा है आपको। पिछली सरकार में जो कन्या विवाह योजना हुआ, वो विवाह का आयोजन कैसा था, यदि कुछ लोग होंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा अंतर है। पटना में हमारे भूलन सिंह जी जो विधायक हैं, आज उस दिन हमारे जिले के उपाध्यक्ष ही थे, इनके गांव में भी हुआ। आदरणीय हमारे महिला बाल विकास के आदरणीय सिसोदिया जी हैं, इन्हें के नेतृत्व में हुआ था। और उस विवाह में यदि उसका फोटो निकाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना परिवर्तन है। राज्य गायत्री परिवार परिसर में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कितना अंतर आपको महसूस होगा। यही है सनातन पद्धति, यही है देश की मोदी जी की गारंटी, यही विश्व सरकार का आयोजन, यह लक्ष्मी राजवाड़े का आयोजन। वहां इसी प्रकार के पंडाल में धर्म परिवर्तन का काम चलता था। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह होता था और जब इस बात को हम उठाते थे हमको जेल भेजने की बात होती थी। आज यह परिवर्तन हुआ है, यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपको मिलाने का काम हुआ है, आपको साथ साथ चलने का काम हुआ है। मैं पूरे जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, एडिशनल साहब को और महिला बाल विकास के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समय के साथ अपने आप में आप लोगों ने परिवर्तन लाया है, आगे भी परिवर्तन चलता रहेगा, ऐसी क्रम आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारा देश सनातन पद्धति का देश है, ये सनातन में देश चलने वाला है। मैं मोदी जी को, हमारे विष्णु साई जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, लव मैरिज। तो मैं सभी नहीं, देखने नहीं गए थे? देखने गया था, बात भी करते थे, लेकिन लव मैरिज नहीं है। तो बिना प्यार के शादी कैसे हो रहा है? प्यार हो जाएगा बाद में। जयमाला हो रहा है, ये चप्पल में हल्दी है, हल्दी में जल मिलाइए। परिवार है आज 200 जोड़ा मंत्र विवाह कार्यक्रम संपन्न करीन है।